तो दोस्तों, अगर आप अपने फोन पर एप्लीकेशन से रिचार्ज करना चाहते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि गाइस बहुत लोग फोन पे का यूज करते हैं लेकिन अपने फोन पर एप्लीकेशन से रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। लेकिन गाइस हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन पर एप्लीकेशन से आप रिचार्ज कैसे करेंगे, रिचार्ज करने का प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, तभी गाइस आप अपने फोन पर एप्लीकेशन से आप मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे। तो चलिए गाइस हम आपको लाइव प्रूफ के साथ करके बताते हैं कि आप कैसे अपने फोन पर एप्लीकेशन से आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे। So, दोस्तों आपको फोन पे एप्लीकेशन से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करना है। अगर आपके फोन में फोन पे एप्लीकेशन नहीं है तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। आप जैसे वहां से डाउनलोड कर लेंगे तो अब आपको सिंपली इस तरीके से अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अब आपको धीरे धीरे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में अब आपको यहां पर एक ऑप्शन जो है मोबाइल रिचार्ज का, तो आपको मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको सर्च मोबाइल नंबर पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में अब अपने जिस मोबाइल नंबर का आप रिचार्ज करना चाहते हैं, आपको उस मोबाइल नंबर को आपको यहां पे आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए गाइस हम से क्या करेंगे, अपने मोबाइल नंबर को इस तरीके से हम डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां से अपना सिम कार्ड चूज करना है कि गाइस आप जिस मोबाइल नंबर का रिचार्ज करना चाहते हैं कौन सा सिम कार्ड है, जैसे वोडाफोन है, बीएसएनएल है या गाइस जियो है। आपको सिम कार्ड चूज करना है। सिम कार्ड चूज करने के बाद में गाइस आपको सिंपली अपना सिम कार्ड चूज कर लेना है। सिम कार्ड चूज करने के बाद में अब आपको सिंपली गाइस यहां पे अपना सर्किल चूज कर लेना है कि गाइस आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो गाइस यहां से क्या करेंगे, अपना सर्किल भी चूज कर लेंगे। उसके बाद में गाइस आपके सामने पे प्लान ओपन होकर के आ जाएगा। गाइस आप कितने रुपए का रिचार्ज करना चाहते हैं, सभी प्लान यहां पे इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएंगे। तो अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, गाइस आप जो प्लान का रिचार्ज करना चाहते हैं आप उसका रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे 200 यहां पे 80 रुपए का रिचार्ज है, 1 रुपए का 280 रुपए का रिचार्ज है यहां पे, और गाइस यहां पे 179 रुपए का, 199, 239 रुपए का रिचार्ज है, बहुत सारे रिचार्ज हैं। तो गाइस इनमें से गाइस आप जिसका रिचार्ज करना चाहते हैं आप उसका यहां पे रिचार्ज कर सकते हो। तो चलिए गाइस हमसे क्या करेंगे, हमें पर 239 वाला हम रिचार्ज करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहां पे इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। सो अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। सो कि जैसा प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में सब आपके सामने आप इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। सो गाइस अगर आपका इसमें बैंक अकाउंट लिंक होगा तो आप अपने बैंक से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बैंक अकाउंट को इसमें लिंक करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस मेरे यहां पे फोन पे गिफ्ट कार्ड में बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे अपने फोन पे गिफ्ट कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो गाइस यहां पे दो रुपए चार्ज कटेगा और 239 रुपए का मेरा रिचार्ज होगा, मतलब यहां पे 241 रुपए मेरा टोटल यहां पे पेमेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोसीड वहां पे पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो गाइस जैसे हम पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो गाइस आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में गाइस मेरा जो रिचार्ज है पर सक्सेसफुली हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं, यहां पे योर रिचार्ज है पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो गाइस जैसे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस मेरे फोन पे एप्लीकेशन से मेरा मोबाइल नंबर पे रिचार्ज हो चुका है। सो गाइस जिस तरीके से गाइस अगर आपको रिचार्ज करना नहीं आता फोन पे एप्लीकेशन से, तो गाइस आप इस वीडियो की मदद से अपने फोन पे एप्लीकेशन से इजीली रिचार्ज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।